नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। खबर औरैया उत्तर प्रदेश से आ रही। जनसत्ता दल लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आज संकल्प यात्रा के दौरान औरैया जनपद पहुंचे और औरैया कानपुर देहात के बॉर्डर पर जिला अध्यक्ष औरैया के द्वारा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का स्वागत किया गया और राजा भैया के स्वागत समारोह के लिए जगह जगह पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहीं युवाओं में काफी जोश दिखा। राजा भैया की एक झलक पाने के लिए दिखा यह जोश और औरैया के दौरान बता दे यहाँ पर राजा भैया ने बताया है कि किसानों और आम आदमियों द्वारा ही गरीब नौजवान के मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव मैदान में आएगी और 100 से अधिक सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्राइम देखने उछाने के लिए अश्विनी सिंह और यह उत्तर प्रदेश। पार्टी के सभी पदाधिकारियों से भेंट करना, उनसे आशीर्वाद लेना और जनता से जनसत्ता दल के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद लेने के उद्देश्य। आगामी समय में 2022 में आप किस पार्टी, क्या भाजपा के साथ आपका गठबंधन होगा? नहीं, अभी किसी दल, देखिए हमारे विकल्प खुले हैं और मुद्दों के आधार पर समर्थन होगा। जब होगा तब आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, आज आपकी जो ये रैली हर जनपद में चल रही है, तीसरा चरण चल रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को इस रैली के बाद? देखिए, पार्टी की स्थापना 30 नवंबर 2018 में हो गई थी एक वृहद रैली के साथ, लेकिन कोविड के कारण हम लोग जनसंपर्क नहीं कर पाए थे। तो अब हमारे प्रदेश और देश को उससे निजात मिली है, तो इसलिए अब निकले हैं। क्या 2022 में जनसत्ता दल पार्टी हर जिले में अपने कैंडिडेट उतारेंगे? यह 100 से अधिक सीटें हमने चिन्हित कर ली हैं और यह संख्या और आगे बढ़ भी सकती है। धन्यवाद।